हेलो फ्रेंड, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपने रिज्यूमे को कैसे बनाएं। देखिए, जब भी हमारा इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के टाइम पर जो सबसे पहली चीज इंटरव्यूअर के सामने आती है वो होता है आपका रिज्यूमे। रिज्यूमे अगर आपका कम इम्प्रेसिव है तब उस केस में इंटरव्यूअर आपको कम इम्पोर्टेंस देगा। बट अगर आपका रिज्यूमे काफी इम्प्रेसिव है तो वो बाकियों को छोड़कर पहले आपको ही कॉल करेगा। तब इस केस में रिज्यूमे हमारा इम्प्रेसिव कैसे होगा, आज हमारा वीडियो इसी पर ही होने वाला है। तो गाइज, पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गाइज, ये मेरा चैनल है बी एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी। इस पर मैंने एमएस ऑफिस, एथिकल हैकिंग, सीसीएनए, सीसीएनपी बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया हुआ है। तो ये जो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब इट। एंड अगर आपने पहले से इसको सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। बट इस वीडियो को आपको अपने बाकी फ्रेंडों को भी शेयर करना है, क्योंकि ताकि उनको जैसे आपको हेल्प हो रही है सेम उनको भी ऐसे ही हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। तो आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। सबसे पहले जब भी हम बात होती है रिज्यूमे की कि तो आपके तीन शब्द होते हैं। एक होता है सीवी। सीवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है करिकुलम वाइटे। करिकुलम वाइटे, ओके, इट्स कॉल्ड करिकुलम वाइटे। और एक होता है रिज्यूमे और एक होता है बायोडेटा। ये तीन शब्द हैं। और मैंने देखा है कि इतने सारे एक्सपीरियंस पर्सन भी तीनों शब्दों को एक ही तरीके से यूज करते हैं, बट इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। सबसे पहले हम आते हैं बात सीवी पर। इट्स कॉल्ड करिकुलम वाइटे। ये होता क्या है, ये तब आपका मेंशन होता है जब आप फ्रेशर होते हैं। और फ्रेशर के साथ साथ सिर्फ ओनली अभी आपने अपनी स्कूली पढ़ाई को ही पूरा किया हुआ है, उसको छोड़कर आपने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है। इट मीन कि अगर आपने सिर्फ ओनली स्कूल की एजुकेशन की है और उसी के दम पर अगर आपको जॉब पाना है और आप साथ में फ्रेशर भी हो, तब आपका आता है हमेशा सीवी। अगर आप फ्रेशर हो और फ्रेशर के साथ साथ अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है, तब आता है हमेशा रिज्यूमे। या अगर आप एक्सपीरियंस हो तब आएगा आपका रिज्यूमे। और बायोडेटा आपका तब आता है जब आप किसी शादी के लिए, आप किसी मैरिज वेबसाइट पर अपने बायोडेटा को अपलोड करते हो। तो ये तीन अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी क्या है कि अभी जो मैं रिज्यूमे आपको बताने वाला हूँ उसमें ये होगा कि आपने स्कूली पढ़ाई तो आपने की ही है, साथ में आपने कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है जिसके दम पर आपको जॉब पर आना है। तो आई जस्ट यूज रिज्यूमे। और अभी आप तो इसमें आई विल डिफाइन द एज अ फ्रेशर रिज्यूमे कैसे होना चाहिए और अगर आपको एक्सपीरियंस है तब कैसे होना चाहिए। मैं जिस फॉर्मेट से रिज्यूमे बनाता हूँ आपको भी सेम बनाना है और आपके पास 100% कॉल आएगी, क्योंकि मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है और हमेशा इसी पर ही उनका काम हुआ है और उनका सिलेक्शन बहुत ही आराम से हुआ है और काफी इम्प्रेसिव भी हुआ है। तो गाइज, इस तरीके से आज हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप अगर आपको एमएस वर्ड यूज करना आता है तो अच्छी बात है, बट इसके ऑप्शंस अगर आपको अभी अच्छे से नहीं आते हैं, तो मैंने पहले भी पूरा एमएस वर्ड पर एक सीरीज अपलोड की हुई है, तो आप पहले उसको जाकर देखिए और आप सारे ऑप्शन को यूज करना सीखिए, क्योंकि इसको बनाते टाइम ये छोटे छोटे ऑप्शंस आपके रिज्यूमे को बहुत ही इम्प्रेसिव बना देंगे। ओके, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग।
सबसे पहले तो जो आपका पेज है उस पर आपका बॉर्डर होना चाहिए। तो बॉर्डर जो है हमारा ऑप्शन वो कहाँ से आता है, आप सबसे पहले आपको डिजाइन ऑप्शन पे आना होगा और ये रहा पेज बॉर्डर। तो ये रहा आपका पेज बॉर्डर ऑप्शन पे आएंगे और अभी आप आएंगे बॉक्सेस पर। ठीक है, लाइन ऐसी होनी चाहिए। तो अभी ये बहुत अच्छा है हमारे लिए और ओके होते ही या थोड़ी सी डार्क ताकि थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो सके, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। और देखिए ये बॉर्डर हमारा एक आ गया। तो ये बॉर्डर हमारा आ चुका है। सबसे पहले तो ये ऐसे होना चाहिए और अगर आप चाहें तो ये भी अच्छा है या फिर आप इस ऑप्शन पे भी आ सकते हैं, बिकॉज इट इज टोटली लुक आप प्रोफेशनल रिज्यूमे। ओके, हम इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी रिज्यूमे, क्योंकि आप जिसको बना रहे हैं आपको पहले उस पर आना है। और इसको मैं पहले पेज के मिडिल पर लेकर आता हूं, तो इससे आएगा ये आपका मिडिल पर। और इसके और आई जस्ट इंक्रीज द साइज, मैं साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि थोड़ा सा देखने में इम्प्रेसिव लगे। बोल्ड एंड अंडरलाइन आल्सो, अंडरलाइन के लिए मैं अपना ही हिस्सा सीरीज करता हूँ। ओके, और ये अंडरलाइन हमारी आ चुकी है। आफ्टर दैट आप एंटर आइए और यहाँ पर ये जो पहले था पेज को हल्का सा जो आपका कर्जर है इसको मैंने हल्का सा स्मॉल किया जाकर, ये अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, मैं 18 पे आ जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर गिव योर नेम, हमने कहा कि नाम जो है वो है राहुल कुमार नाम से। तो जो भी आपका नाम होगा उसकी एंट्री होगी, जो आपका नाम होगा। सबसे पहले मैंने कुछ ऑप्शन पहले किए थे तो पहले मुझे हटाना होगा अंडरलाइन ऑप्शन को, एंड बोल्ड इज गुड, या फिर बोल्ड आप हटा दीजिए जाकर। ओके, जहां पर जो आपका नाम होगा उसकी एंट्री होगी। इसके बाद में होगा एड्रेस, तो हम लोग आ जाते हैं एड्रेस पे। और यहाँ पर एड्रेस पे जो भी आपका एड्रेस होगा, हमने कहा जी हमारा एड्रेस है हाउस नंबर, या जो भी आपका हो विलेज करके हो सकता, हमने कहा जी 110 है और मयूर विहार और दिल्ली, इस टाइप से आपका एड्रेस आ जाएगा। आफ्टर दैट हम आएंगे कॉन्टैक्ट पे। कॉन्टैक्ट में आपकी जो आपका मोबाइल नंबर होता है वो आएगा। मैंने कहा जी मोबाइल नंबर 8 ये है, और फिर इस साइन के साथ में आप अपनी ईमेल आईडी भी, हमने कहा हमारी ईमेल आईडी है abc@gmail.com। तो जो भी आपकी आईडी होगी आप उसकी एंट्री, आप चाहे तो दो कॉन्टैक्ट नंबर भी इस पे कॉमा करके दे सकते हैं, बट हमेशा उसी कॉन्टैक्ट पर दीजिएगा जिस पर आपकी आसानी से बात हो सके। ओके, आफ्टर दैट ये फोन थोड़ा सा अभी हमारा बड़ा है तो हमें इसको पहले थोड़ा सा स्मॉल करना होगा। आई जस्ट सेलेक्ट इट और यहाँ पर आके थोड़ा सा स्मॉल, ये ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है, ये जो लाइंस हैं हमारी, इनमें स्पेस ज़्यादा है तो स्पेस थोड़ा सा हमें कम करना होगा। तो स्पेस कहाँ से होता है कम, हमारा यहाँ से होता है। ओके, या फिर थोड़ा सा हम और कम कर लेते हैं जाकर, हमने कहा यहाँ पर स्पेस कम हो गया, दैट्स गुड। तो यहाँ पर ये जो फॉन्ट है उसका साइज कितना होना है इस पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। इसको मैं थोड़ा सा और स्मॉल करता हूँ, इसमें जाकर 1 पॉइंट और स्मॉल। ओके, इट लुकिंग प्रोफेशनल। आफ्टर दैट जब यहाँ पर ये चीज हमारी आ जाएगी तब यहाँ पर एक लाइन हमारी इंसर्ट होनी चाहिए। हम आ जाते हैं इस ऑप्शन पर। आफ्टर दैट शेप्स में आ जाएंगे और हमने कहा ये लाइन हमारी जो आ रही है इस लाइन पे आप ऐसे आ जाएगी। ये लाइन आपकी ऐसे होते हुए
और यहाँ पर आकर ये थोड़ी सी इस टाइप से हो जाएगी और यहाँ पर आके बिल्कुल सही। ओके आफ्टर दैट कलर क्या हो, हमने कहा कि ब्लैक कलर इज गुड। ओके और यहाँ पर ये ठीक है, ये एक आ गई, मतलब कि इतना हिस्सा अभी हमारा अलग हो चुका है। तो यहाँ पर ये चीज हमारी ऐसे हो चुकी है। ओके आफ्टर दैट हमारा आता है जो अगला ऑप्शन आता है, वो आता है करियर ऑब्जेक्टिव, CARER और ऑब्जेक्टिव। ओके करियर ऑब्जेक्टिव, इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैंने कई प्रोफेशनल को ये जो करियर होता है उनको हमेशा कैरियर कहते हुए सुना है। तो गाइज एक तो होता है कैरियर और एक होता है करियर। कैरियर आपका साइकिल के पीछे होता है और करियर वो होता है जिस पर आप अपनी जॉब स्टार्ट करने वाले हो। तो ये हमेशा हमेशा आपका करियर होता है। ओके करियर ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें ये होता है कि आपको अपने करियर से क्या उम्मीदें हैं, इट मीन आपको किस टाइप के करियर आपको आपको चाहिए है। तो सब तो सब सबसे पहले मैं इस हिस्से को हल्का सा बोल्ड और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा चुनना होगा। तो मैं अभी अपने हिसाब से आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन। अब ये क्या चीज है, ये है सीकिंग का पोजीशन टू यूटिलाइज माय स्किल्स एंड एबिलिटी इन अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री दैट ऑफर प्रोफेशनल ग्रोथ व्हाइल बीइंग रिसोर्सफुल इनोवेटिव एंड फ्लेक्सिबल। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है कि मैं एक ऐसी पोजीशन को आईटी कंपनी में देखता हूँ जहाँ पर मेरी स्किल का भरपूर उपयोग हो और साथ में मैं वहाँ के रिसोर्सेज से अपने आप को अपडेट कर पाऊँ। तो ये हमारा हो गया करियर ऑब्जेक्टिव। तो आपको इसको आपको इसका हिंदी में मैं भी अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूअर आपके रिज्यूमे को बहुत ध्यान से देखता है तब वो आपके ऊपर आता है और वो उसमें से आपसे क्वेश्चन भी पूछता है। ओके तो ये मैं थोड़ा सा इसके साइज को हल्का सा आई जस्ट डिक्रीज इट। ओके आफ्टर दैट एक अगेन से अगेन ये हिस्सा हमारा खत्म हो चुका है। तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, मैं इस लाइन को इसके हिसाब से आई जस्ट अटैच और यहाँ पर आके ओके। अगला जो हमारा ऑप्शन हमारा जो है वो होता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस, अगर आप एक जॉब में हो तो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस का पार्ट आ जाएगा, या अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इस ऑप्शन पे नहीं आना है। बट अभी अगर आप एक्सपीरियंस हो तब उस केस में हमेशा ऐसे एंट्री होती है, आप पहले ऐसे आएंगे और आप बोल्ड ऑप्शन पे आएंगे, बुलेट्स ऑप्शन पर आप आएंगे और ऐसे आके और ऐसे आके मैंने कहा जी मैं आईटी इंजीनियर हूँ, आईटी इंजीनियर। और किस कंपनी में थे आप, तो हमने कहा जी हम हैं विप्रो में, ठीक है। और यहाँ पर आकर फिर आकर यहाँ पर आती हमारी डेट। तो डेट की एंट्री कैसे होगी, हमने कहा जी हमने ज्वाइन किया था फैब में, फैब 2018 से लेकर, अगर आपने पहले कभी किया होगा तो आगे की डेट आ जाएगी, या अगर अभी आप प्रेजेंट में हो प्रेजेंट तो आपकी ऑप्शन ऐसे आ जाएगी। अगर आपने अगर आपको 3-4 कंपनी का एक्सपीरियंस है तो अभी आप जिस कंपनी में हो पहले उसकी एंट्री होगी, फिर उसके बाद में उससे पहले की एंट्री होगी। इट मीन हमेशा लेटेस्ट की पहले एंट्री होती है, फिर उससे पहले की एंट्री होगी और फिर एंटर होकर यहाँ पर आकर आपका उसमें क्या काम था। तो यहाँ पर भी छोटा सा ये आपका हमने कहा जी हैंडल हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग
फिर यहाँ पे डॉट, फिर अगला हैंडल द कस्टमर्स, जो भी आपका काम होगा उस कंपनी में वो आपको बहुत प्रोफेशनल ढंग से बताना होता है कि आपका क्या क्या काम होता है और आप क्या क्या उसमें देखते थे। तो ये थोड़ा सा अभी आपस में मिसमैच हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आके आई जस्ट गिव अ अंडरलाइन, और यहाँ पर आकर आप सिंपल आकर, और यहाँ पर आकर हम इतने हिस्से को आई जस्ट डू अनबोल्ड इस टाइप से। ऐसे ही फिर अगली कंपनी की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो उसमें आपको अपने काम को बहुत ही प्रोफेशनल वे में बताना होता है। ओके डन। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इस ऑप्शन को छोड़ना होगा। ओके, फिर ये जब आपका हिस्सा हो जाएगा फिर आप अगले हिस्से में आ जाओगे और यहाँ पर आकर इस हिस्से में जाओगे। ओके, अगले ऑप्शन पे हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब अगले ऑप्शन में आता है टेक्निकल स्किल। अच्छा, पढ़ाई हमारे दो तरीके की होती है, एक तो होती है एजुकेशनल एजुकेशन और एक होती है टेक्निकल एजुकेशन। एजुकेशनल एजुकेशन वो होती है जो हमने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ी होती है, और किसी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हमने पढ़ा हुआ होता है तो वो होती है टेक्निकल एजुकेशन। तो फिलहाल अभी हम आते हैं टेक्निकल स्किल पर, क्योंकि ये रिज्यूमे ऐसा है कि आपने अलग से कुछ भी आपने किया हुआ है तो आपका उसके हिसाब से हम टेक्निकल स्किल पर आ जाते हैं। और यहाँ पे अगेन बुलेट्स में हमने कहा जी हमें आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब यहाँ पर आपको इसमें क्या आता है, तो हमने कहा जी वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, और यहाँ पर जो भी आपको आता होगा आपकी उसमें एंट्री हो जाएगी जाकर। फिर हमने कहा जी हमें आता है हार्डवेयर, अब उसमें भी आपको क्या क्या आता है जो भी आपने पढ़ा होगा आपने यहाँ पे कहा हैंडल द ऑल पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, मतलब डेस्कटॉप और लैपटॉप के सारे पार्ट्स हमें बनाने आते हैं। और फिर आगे ट्रबल शूट द प्रॉब्लम, मतलब एक प्रोफेशनल वे में आपको सब ये बताना होता है। ट्रबल शूट द प्रॉब्लम, द हार्डवेयर प्रॉब्लम, इस तरीके से हार्डवेयर प्रॉब्लम, और यहाँ पर आपने बताना है कि आपने क्या क्या आता है। ऐसे ही अगले जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा उसमें उसका नाम और उसके अंदर क्या क्या आता है। अच्छा, एक बात और, टेक्निकल स्किल में जो जो आप लिखते हो एक एक चीज आपको अच्छे से आनी ही चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर जब इसको देखता है तो वो 90% क्वेश्चंस आपके इसी ऑप्शन से ही होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है या बहुत केयरफुली आपको लिखना होता है कि जो आपको अच्छे से आता है। आपको दिखावे में आपको अगर आपने कोई भी अलग से अगर आपने कुछ ऐसा भी लिखा जो कि आपको नहीं आता है तब उस केस में आपके आपके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये ना आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपने पढ़ा हुआ होता है जो आपको अच्छे से आता है सिर्फ वही आपको लिखना होता है, ठीक है। जब ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा तब आपका अगेन ऐसे आ जाएगा। अब अगले पार्ट में हम आ जाते हैं एजुकेशन पर। एजुकेशन, ओके, अगेन बुलेट्स, जो पढ़ाई अभी आप कर रहे हो या फिर जो आपने लेटेस्ट की हुई है, अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो ऑप्शन आता है परसुइंग का, स्पेलिंग परसुइंग की।
ये रही, हमने कहा जी हम परसुइंग, या कर सकते हो जैसे आप एग्जांपल ग्रेजुएशन, और जो भी आप पढ़ रहे हो, हमने कहा जी हम पढ़ रहे हैं बीएससी, बीएससी और यहाँ पर बीएससी, और यहाँ पर ऐसे जैसे हमने कहा कि हमारा है सेकेंड ईयर, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम हमने कहा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप इस ऑप्शन में आ जाएंगे एंटर, और कोई चीज अगर आप पढ़ चुके हो, जैसे हमने कहा था कि 12th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड इन, और फिर आपको ईयर भी लिखना है, देखा हमने 2018 या 2017, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ऐसे जो पढ़ाई अभी आपकी एकदम बिल्कुल लेटेस्ट होती है वो आपकी पहले आती है, फिर उसके बाद में उसके पहले की आती है, तो आपकी पढ़ाई की एंट्री ऐसे हो जाएगी। उसके बाद में 10th हमने कहा दी फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, इन 2015, ठीक है। तो ये आपकी पढ़ाई की हमेशा ऐसे एंट्री होगी। जब ये आपका हो जाएगा, फिर अगेन ये पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, तो अगेन हम ऐसे आ जाएंगे, और यहाँ पर आकर ये लाइन हमारी ऐसे आ जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग आ जाते हैं इस पर, अब हमारी आती है टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इसमें भी सेम ही काम होगा। जो अभी आप लेटेस्ट में पढ़ रहे हो तो आपका सेम परसुइंग करके ही आएगा, या अगर आपने वो किया हुआ है तो जैसे हमने कहा था कर हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग 6 मंथ डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एक्सीएल इन 2019, इस टाइप से। और फिर उसके बाद में अगर आपने पहले भी कुछ कुछ भी अगर आपने टेक्निकल कोर्स अगर आपने किया होगा तो उसमें भी सेम ऐसे ही हमारी एंट्री आ जाएगी, ठीक है। हमने कहा जी डाकर कि 3 मंथ डिप्लोमा इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन 2016, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर मुझे 3 लिखना था, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो भी आपने कोर्सेज किए होंगे वो आपकी एंट्री होगी, और उन कोर्स, ठीक है, जो तो ये आपकी जब एंट्री हो आपकी हो जाएगी, फिर हम लोग आएंगे अगले पेज पर, अगला पेज आपका अपने आप आ जाएगा। तो अभी हमारी इंफॉर्मेशन इसमें आ चुकी है, अब हम लोग आते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन पे, पर्सनल इंफॉर्मेशन, और इसके बाद में यहां पर आने के बाद में सबसे पहले आता है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ और डेट ऑफ बर्थ में हमने कहा जी यहाँ पर एक सीक्वेंस में सारा काम, हमने कहा जी 12 फरवरी 1998, ओके। अगला हो गया जाकर आपका लैंग्वेजेस नोन, आपको कौन कौन सी भाषा आती है, लैंग्वेज नोन, तो यहाँ पर जो भी आपको आता होगा अच्छे तरीके से वो आपकी एंट्री होता हो जाएगी, और यहाँ पर हम ऐसे आ जाते हैं, थोड़ा बराबर होना अच्छा लगता है इसमें जाकर। हमने कहा कि हमें हिंदी अच्छे से आती है, इंग्लिश अच्छे से आती है, और भी कोई लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपको उसकी भी एंट्री करनी चाहिए। आफ्टर दैट आता है हमारा
स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वैसे एक ऑप्शनल चीज है, अगर आप चाहते हो तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज स्ट्रेंथ। ये आपका ऑप्शनल है, तो आपको अपने हिसाब से है, आप में क्या क्या खूबियां हैं अगर आपको इंटरव्यूअर को बताना है। हमने कहा कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब ऑप्टिमिस्टिक हैं, ऑप्टिमिस्टिक, इट्स कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पर, ऑप्टिमिस्टिक। ओके, हमने कहा जी हमें टीम लीडरशिप है, टीम लीडरशिप, लीडरशिप, बट ये क्वालिटी आपने होनी भी चाहिए किसी की, देखा देखी अगर आपने लिखा भी तो वहाँ पर इंटरव्यूअर जो होता है वो इसी में से आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आखिर आप किस एंगल से पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, गिव अ एग्जांपल। तब उस केस में आपको अपनी बात को प्रूफ भी करना होगा, तो उससे बचने के लिए जो क्वालिटी आप में, जो आप में एग्जैक्टली है वही आपको इसमें लिखनी होगी, बस इतनी ही एंट्री इसमें होगी। इसके बाद में अगेन एक लाइन, और इसके बाद में आखिरी में जो हमारा आता है वो आता है डिक्लेरेशन। ये क्या चीज होता है कि इसके हिसाब से जो भी हमने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया हुआ है वो हमारी नॉलेज के हिसाब से एकदम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आई जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट डिक्लेरेशन, और इस पे आके कंट्रोल वी। ओके, और यहां पर आकर ब्रैकेट में जो आपका नाम होगा राहुल कुमार, बस। और ये अब इसमें थोड़ा सा हमें फॉन्ट को अच्छा करना होगा, ओके, आई हैव सेटल एवरीथिंग। तो देखिए हम यहाँ पर एक तो फॉन्ट के हिसाब से कि आपका फॉन्ट बाकियों में, ये जैसे यहाँ पर ये है तो ये फॉन्ट हल्का सा और थोड़ा सा स्मॉल अच्छा रहेगा, जाकर हमारा थोड़ा सा स्मॉल करके रखा इसको, ऐसे रखा, हाँ इट लुकिंग गुड। ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा, तो गाइज ये स्टाइल हो सकता है। अगर आप चाहें तो आप अपने एक फोटोज को इसमें भी आप यहाँ पर आप स्टिक कर सकते हैं, ये चीज हमारी ऑप्शनल होती है, तो अगर आप चाहो तो हाँ यू कैन स्टिक द फोटोग्राफ हियर, ठीक है, बट फोटो एकदम आपका प्रोफेशनल में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑप्शन थे, और इसकी हेल्प से रिज्यूमे, इसमें हमारा दो पेज में होता है, अगर आपको 8-10 साल का अलग अलग कंपनियों में अगर आपको एक्सपीरियंस है तब उस केस में ये आपका 3 पेज का भी हो सकता है, बट गाइज हमेशा ऐसे ही बनाना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए भी हैं और दिए भी हैं, तो आई हैव सीन कि जो भी कैंडिडेट होते थे उनका बस ओनली एक ही पेज में ही होता था, तब उस केस में इट लुकिंग सो मच चाइल्डिश। तब उस केस में अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपका रिज्यूमे हमेशा
कम से कम 2 पेज में होना चाहिए, और ये ना उसमें एकदम प्रोफेशनलिटी झलकनी चाहिए कि हाँ जी एकदम ये बिल्कुल है। और रिज्यूमे में जो भी आप लिखते हो, एक एक शब्द का आपको अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए, तो इससे शो होता है कि आप बहुत ज्यादा सिंसियर हो। ओके, तो ये आपका रिज्यूमे को बनाने का तरीका हो गया है। तो अगर आप किसी जॉब को अगर आप देखते, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोग रिज्यूमे को ऐसे ही बनाओ और 100% आपके पास में कॉल आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। मैं ऐसे ही वीडियो इसमें और भी अभी अपलोड करूंगा, बट आपको भी ध्यान रखना है कि आपको इस वीडियो को लाइक शेयर करना है, और साथ में कमेंट करके बताइए कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ। तो ये आपको वीडियो अपने फ्रेंड को भी शेयर करना है, ताकि उसका भी करियर ग्रोथ और अच्छे से हो सके। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड को भी कहिए कि वो भी इसको सब्सक्राइब करे, ताकि उसको भी ये जो हमारे अलग अलग कोर्सेज के वीडियोस हैं वो भी उसके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।